Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Shruti Rana and you are watching Good Learning. This is the 10th chapter, the story of cricket that we were doing and we had started in the previous lecture. Now this is the second lecture. First part iska humne kar liya tha. Today we'll start with the second part. So first part mein humne actually discuss kya kiya tha. So we were discussing how the cricket had developed and matlab uska origin kaise hua tha England mein and over the time kis tarah usme kuch changes aaye. So basically cricket mein changes kya aaye the, wo ye aaye the ki jo agar hum bat ki baat kare, so initially kya hota tha, jo cricket ka bat tha wo bhi hockey stick ki tarah hota tha, matlab niche se outward curve tha usme, but विद टाइम उसमें काफ़ी चेंजेस आए, जो क्वालिटी ऑफ स्टफ़ था उसमें चेंजेस आए थोड़े बहुत, और जो आउटवर्ड कर्व होता था बैट में वो हटा दिया गया, और जो नए टाइप का बैट डेवलप हुआ या स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था कि वो एकदम स्ट्रेट होता था, उसके साथ उसकी जो विड्थ थी वो भी 4 इंचेस कर दी गई थी, एंड ऐसे कुछ छोटे छोटे माइन्यूट से चेंजेस आए थे. सो आगे हम पढ़ते हैं कि इंडिया में, अब ये तो था कि वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर कैसे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज इट वॉज इंग्लैंड हु हैड वेयर द ओरिजिन ऑफ क्रिकेट वॉज स्टार्टेड, वेयर द क्रिकेट वॉज ओरिजिनेटेड फ्राम, बट इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ. द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियंस, द पारसीज. अब इंडिया में क्रिकेट स्टार्ट हुआ था फर्स्टली बॉम्बे में, मुंबई में, मुंबई जिसे अब कहते हैं, पहले उसको बॉम्बे कहा जाता था, एंड जो पहली कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट को स्टार्ट किया इंडिया में, इट वाज ज़ोरोएस्ट्रियंस. अब जैसे हम, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं इंडिया में, वी हैव हिंदूज, वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव सिक्स, वी हैव क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिज़्म है, सो वैसे ही ज़ोरोएस्ट्रियन जो हैं वो भी एक, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म जो है वो एक रिलीजन है, और उसके जो लोग हैं उनको ज़ोरोएस्ट्रियंस कहते हैं या फिर पारसीज कहते हैं. सो दिस इज द कम्युनिटी हु एक्चुअली स्टार्टेड क्रिकेट इन इंडिया. ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. अब ये जो कम्युनिटी है, जो पारसीज हैं, ये जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में थे. अब बच्चों ये कब की बात है, ये इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात है. जब हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना था, इट वॉज इन द ईयर 1947. सो ये जो क्रिकेट स्टार्ट हुआ था ये 1947 से बहुत पहले स्टार्ट हुआ था. उस टाइम इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो हम पे राज करते थे उस टाइम पे, दे वर कंट्रोलिंग अस, दे वर रूलिंग अस. सो उस टाइम पे ये जो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, दे वर इन कॉन्टैक्ट, दे वर क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ट्रेड में इनका इंटरेस्ट था, एंड इसीलिए ये फर्स्ट कम्युनिटी थी इंडिया की जिसने खुद को वेस्टर्नाइज किया था, एंड यही रीज़न था, इन्होंने यही फर्स्ट कम्युनिटी ऐसी थी जिसने क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया इंडिया में. सो दे फाउंडेड द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेट क्लब जिसको, जिसका नाम था द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, एंड ये बॉम्बे में कब स्टार्ट हुआ, 1848 में. सो यू कैन वेल इमेजिन इट वॉज अबाउट 100 ईयर्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में, बट जो क्रिकेट स्टार्ट किया गया था इंडिया में, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1848, मतलब 100 साल पहले. नाउ पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज. द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज. अब इनको स्पॉन्सर कौन करता था, अब जब आप कोई क्लब स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वरना आप खुद से इतना फंड कलेक्ट नहीं कर पाते हो. सो यू नीड सम स्पॉन्सर्स, यू नीड फंडिंग कंपनीज. सो वहाँ पे उस टाइम पे जो पारसी बिजनेसमैन थे, जैसे टाटाज हो गए, वाडियाज हो गए, सो दे वर सम पारसी बिजनेसमैन. सो इन लोगों ने स्पॉन्सर किया था इस क्लब को, इन लोगों ने अपना पैसा लगाया था इस क्लब को स्टार्ट करने के लिए. एंड इट्स सैड कि जो वाइट क्रिकेट एलीट थे उस टाइम पे, जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे जिनका ऑलरेडी क्रिकेट गेम था,
उन्होंने इनकी कोई भी हेल्प नहीं करी पारसीज की क्रिकेट को इस्टेब्लिश करने में एज अ गेम, इनकी कोई हेल्प नहीं करी। इनफैक्ट देर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। इनफैक्ट मतलब जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो हम पे रूल कर रहे थे उस टाइम, सो उन्होंने हेल्प तो नहीं की पारसीज की या ज़ोरोएस्ट्रियंस की क्रिकेट क्लब बनाने में, बल्कि उसका एकदम ऑपोजिट किया, हेल्प नहीं की लेकिन क्या किया, उनसे डेफिनेटली लड़ाई की। बहुत बार रिपीटेडली उनके क्वारल्स हुए, उनकी लड़ाई हुई। और लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे एक पब्लिक पार्क था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस पब्लिक पार्क को ये जो वाइट कम्युनिटी है वो लोग यूज़ करें या पारसीज यूज़ करें। अब जो वाइट लोग थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका जो अपना क्लब था क्रिकेट क्लब, उसका नाम था बॉम्बे जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना क्लब। और जो पारसीज थे उनका क्लब का नाम क्या था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। सो इन दोनों क्लब्स के लोगों में, मतलब ब्रिटिशर्स में और पारसीज में, हमेशा लड़ाई होती रहती थी एक पब्लिक पार्क को लेकर कि उस पार्क पे कौन खेलेगा, ज़ोरोएस्ट्रियंस खेलेंगे या वाइट ओनली पीपल खेलेंगे। नाउ द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस। अब जो पारसी लोग थे वो ऑफन कंप्लेंट किया करते थे। कंप्लेंट किस चीज़ की करते थे? कि वो जो पब्लिक पार्क था उसमें ये जो वाइट लोग थे, बॉम्बे जिमखाना क्लब जो था ब्रिटिशर्स का, ये क्या करते थे वहाँ पे? पोलो पोनीज, क्या है पोलो? एक गेम होती है जिसमें हॉर्स पे बैठ के हॉकी की तरह खेला जाता है। पोनी मीन्स हॉर्स। सो वो पोलो खेलते थे। उसकी वजह से क्या होता था, वो खेलने की वजह से वो वहाँ पे गड्ढे हो जाते थे। उसको डगअप द सर्फेस लिखा है यहाँ पे, जिमखाना डग अप द सर्फेस। सो वो जो सर्फेस था, वो जो पार्क था, उसमें गड्ढे खोद देते थे वो छोटे छोटे से, बिकॉज उनकी गेम उस तरह की थी। सो उस वजह से जब ये पारसीज वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे तो द ग्राउंड वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता था क्योंकि उसमें छोटे छोटे डिग्स हो जाते थे, वो डिग कर देते थे उस सर्फेस को, उसमें गड्ढे हो जाते थे छोटे छोटे से। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. अब जब कंप्लेन की पारसीज ने, अब उस टाइम क्या था, ब्रिटिशर्स का रूल था, जो भी अथॉरिटीज थी सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास था। सो नाउ व्हेन दीज पारसीज वेंट टू द अथॉरिटीज टू कंप्लेन अगेंस्ट दीज बॉम्बे जिमखाना पीपल, तो जो अथॉरिटीज़ थी वो क्या थी, वो भी वाइट पीपल थे, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द अदर कम्युनिटी, वो अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वो सुनते नहीं थे एंड वो अपने वाइट कॉम्पैट्रियट्स जो थे उनके, ये बॉम्बे जिमखाना क्लब वाले, उनको ही सपोर्ट करते थे। सो इससे तंग आकर इन पारसीज ने क्या किया, उन्होंने अपना अलग से जिमखाना क्लब बना लिया ताकि वो वहाँ पर खेल सकें। और फिर क्या हुआ, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो अब फाइनली जब इन्होंने, पारसीज ने अपना खुद का एक क्रिकेट जिमखाना क्लब बना लिया ताकि वो वहाँ खेल सकें, सो तब जाके एक हैप्पी एंडिंग हुई दोनों के लिए। पायनियर्स आर समबडी हु इज़ वेरी ग्रेट एट डूइंग समथिंग। नाउ अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो पारसीज थे उनको नहीं पब्लिक प्लेस, पब्लिक पार्क में खेलने दिया जाता था बिकॉज दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। इन लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉम्बे जिमखाना क्लब की तरफ से। तो फिर क्या हुआ, अब इन्होंने, पारसीज ने सोचा कि हम क्यों ना अपना खुद का जिमखाना क्लब बना ले ताकि हम उसमें खेल सकें। सो नाउ दैट दे हैड स्टार्टेड देयर ओन जिमखाना क्लब ताकि वो उसमें खेलें, तो वो जो क्वेरल्स थी उसका, लड़ाई का जो रीज़न था वो रीज़न नहीं रहा अब। सो नाउ देयर वॉज अ मैच बिटवीन बॉम्बे जिमखाना एंड पारसीज जिमखाना क्लब। सो पारसीज का जिमखाना कौन सा था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। सो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, अब लड़ाई एज एन
पार्क को लेकर नहीं, किसी क्रिकेट ग्राउंड को लेकर नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो अब दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ 1889 में। अब ये जो मैच हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पारसीज थे, जो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, जिन्होंने अभी नया नया खेलना स्टार्ट किया था, वो टीम जीत गई। उस टीम ने बॉम्बे जिम खाना को हरा दिया, मतलब जो ये ब्रिटिश लोग थे, बॉम्बे जिम खाना क्लब के क्रिकेटर्स थे, उनको हरा दिया था पारसी टीम ने। जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादाभाई नरोजी। सो 1885 में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट हुई थी। अभी अगर हम देखें, देर इज़ दिस पार्टी जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है अभी, इट्स जस्ट कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है। सो उस टाइम पे, बैक इन दोज डेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था। और उस टाइम पे ये जो पार्टी थी 1885 में स्टार्ट की गई थी। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ही अच्छे लीडर्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेसिडेंट होता है, एक लीडर होता है। सो उस टाइम पे जो इनके लीडर थे, उनमें से एक थे दादा भाई नरोजी, और वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। और उनके वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ये जो पारसी है, राइट। सो उसके 4 साल बाद की बात है, 1889 में, जब पारसी लोगों ने, या ज़ोरोएस्ट्रियंस के जो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था, उसने बॉम्बे क्रिकेट क्लब को हरा दिया था। नाउ मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, इट इज़ डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। अब अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, सो क्या है ये, वो क्रिकेट है जहाँ पे दो कंट्रीज, या दो इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, सो इंटरनेशनल का फॉर्मेट क्या हो गया है आजकल, क्या होता है, टेस्ट मैचेस भी होते हैं विच कीप्स ऑन गोइंग फॉर लाइक 4-5 डेज। टेस्ट मैचेस होते हैं, वन डे इंटरनेशनल्स होते हैं जिसमें 50-50 ओवर्स होते हैं। एंड उसके अलावा आजकल T20 फॉर्मेट भी बहुत चल रहा है, जिसमें सिर्फ 20-20 ओवर्स होते हैं। सो ये इंटरनेशनल और नेशनल का फॉर्मेट है क्रिकेट का। तो उसमें होता क्या है, इंटरनेशनल में दो टीम्स होती हैं। दो टीम्स कौन सी होती है, दो टीम्स को अगर मैं बोलूँ, दो कंट्रीज होती हैं, वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं टीम्स, एंड दे बोथ प्ले मैच बिटवीन देमसेल्व्स। सो ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट। अब एक मैच में या एक टूर्नामेंट में कौन फेमस बनता है, वो प्लेयर्स फेमस बनते हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए अपना 100% एफर्ट्स लगा दिया, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से उनकी कंट्री जीत गई। अगर नहीं भी जीती, अगर हार भी गई, तो उनके जो एफर्ट्स थे वो स्पेक्टेटर्स देखते हैं, वो दुनिया देखती है कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए। सो द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। सो वो जो क्रिकेटर्स फेमस होते हैं, वो लोग फेमस होते हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेला होता है। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। सी के नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज लाइक पलवंकर विथल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। सो अब अगर हम उस टाइम की बात करें, मतलब ये तो कितने पुराने टाइम की बात है, उस टाइम पे ऐसे कौन से क्रिकेटर्स थे जिनको अभी तक याद किया जाता है। सो हेयर इज़ वन नेम, सी के नायडू। ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, ये क्रिकेटर थे जिनका नाम था सी के नायडू। अब ये इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मतलब कि इनके टाइम पे जो बाकी क्रिकेटर्स थे, उनको इतना याद नहीं किया जाता है जितना इनको याद किया जाता है। नाउ व्हाई इज़ दैट सो?
ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इन्होंने जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, इनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग रही है. ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे अपने टाइम के, एंड दिस इज़ द रीज़न इवन टुडे ही इज़ बीइंग रिमेम्बर्ड बाय एवरीवन, ऑल द क्रिकेट फैंस. जो क्रिकेट फैंस हैं वो इनको अभी तक याद करते हैं, वेयर एज हिज अदर कंटेम्प्रेरीज, इनके टाइम पे जो बाकी क्रिकेट प्लेयर्स थे जैसे पालवंकर विथल एंड पालवंकर बालू, इनको लोग अभी तक याद नहीं करते हैं बिकॉज मे बी दे वर नॉट सो गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मे बी देयर परफॉर्मेंस वॉज नॉट सो गुड कंपेयर टू सी के नायडू. सी के नायडू वॉज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन, एंड दैट इज़ वाई पीपल रिमेंबर हिम इवन टुडे. Now, C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination, while some of his great contemporaries like Palwankar Vithal and Palwankar Balu have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. अब इन्होंने जो स्टार्ट किया था खेलना वो कब किया था, 1932 में. फिर भी जब इंडियन क्रिकेट की बात होती है इनका नाम एक सुनहरे अक्षरों में हमें दिखता है लिखा हुआ. क्यों? वो इसलिए क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. तो ये जो सी के नायडू थे ये इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे क्रिकेट के. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. अब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन कब बना? 1947 में. 1947 इज़ द ईयर व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, एंड उससे कम से कम डेकेड एंड अ हाफ, मतलब डेकेड होता है 10 साल, और डेकेड एंड अ हाफ मतलब डेढ़ डेकेड, दैट मीन्स 15 ईयर्स. सो 47 से ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पहले की बात है जब इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरेन नेशंस. अब क्या कहा गया है, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सॉवरेन नेशंस, एंड द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. अब बच्चों हमें पता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी जहाँ पर ब्रिटिश कंपनी रूल करती थी. So likewise, it was not just in India that British company was ruling their people. It was in many other countries as well. There were a lot of countries where British people were ruling their citizens, the citizens of that particular country. So us dauran hi cricket khelna start ho gaya tha. Sovereign nation hota hai when a nation is independent, ki wo apne एक्सटर्नल अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती है, उसे किसी तीसरी कंट्री या दूसरी कंट्री की ज़रूरत ना हो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में. सो इंडिया 47 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद वी बिकेम अ सोवरेन नेशन. सो इसी तरह उससे पहले ही क्रिकेट स्टार्ट हो गया था कंट्रीज के बीच में खेलना, एंड द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. सो पहला टेस्ट मैच जो हुआ था, जो वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया था, वो कौन सी कंट्रीज के बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. अब उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑल्सो नॉट अ सोवरेन नेशन, ऑस्ट्रेलिया इट सेल्फ वॉज अ वाइट सेटलर कॉलोनी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश रूल था, मगर तब भी इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच हुआ. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. तो मतलब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कॉलोनियल रूल के अंडर ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा कि इंडिया ने भी किया, वैसे ही जो कुछ कंट्रीज है, अब कैरेबियन सी कहाँ पे, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ उसके इस साइड पे जो आ जाता है वेस्ट में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में कैरेबियन सी है. तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है जो वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाती हैं
वो भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था, बट उनको इंडिपेंडेंस कब मिला ये ब्रिटिश कॉलोनी से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बाद। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस तो बहुत लेट मिली है, मगर उन्होंने क्रिकेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलना बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जब वो ब्रिटिश रूल के अंडर थे तभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज़, इंडिया ज्वाइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। क्या इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से पहले? दिस इज़ वेरी मच ट्रू, क्योंकि इंडिया ने 1947 से बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, इन द ईयर 1932, 32 या 35 यहाँ पे मेंशन था, इट इज़ द ईयर 1932, हियर इट इज़ 1932। सो इंडिया ने 1932 में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, विच वॉज़ अराउंड 15 ईयर्स बिफोर द इंडिपेंडेंस। नाउ सेकेंड इज़, द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू इनकरेज द पारसीज इन क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज़ अगेन ट्रू, बिकॉज जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रिटिश रूल करते थे हम पे, जो ब्रिटिश लोग थे, वी वर द कॉलोनीज एंड दे वर द कॉलोनाइजर्स, सो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था पारसीज को इनकरेज करने के लिए, इनफैक्ट वो तो लड़ाई करते थे उनसे, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज़, पालवंकर बालू वॉज इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। नो दिस इज़ फॉल्स, पालवंकर बालू वॉज नॉट इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, इट वॉज सी के नायडू। नाउ द लास्ट वन इज़, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सोवरन नेशन। दिस इज़ अगेन फॉल्स, बिकॉज इंडिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट एज अ सोवरन नेशन, बिकॉज वेन इट स्टार्टेड प्लेइंग दिस टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट एट वर्ल्ड लेवल, इट वॉज स्टिल अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन और इंग्लैंड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इन टू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अब जो टेलीविजन पे क्रिकेट का इंटरनेशनल और नेशनल मैचेस जो होते हैं उनका जो कवरेज होने लगा, उसने क्रिकेट को हर तरह से चेंज कर दिया, मतलब क्रिकेट जो एक स्पोर्ट था उसका रुख ही बदल दिया। पहले अब जो मैचेस होते थे इंटरनेशनल मैचेस, वो कहाँ होते हैं, मोस्टली सिटीज़ में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर स्टेडियम्स होते हैं। सो उस टाइम पे जो लोग उन स्टेडियम्स के अराउंड नहीं रहते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, टाउन्स में या विलेजेस में, वहाँ तो मैचेस होते नहीं थे, मैचेस होते थे स्टेडियम्स में। अब स्टेडियम्स थे सिटीज़ में लोकेटेड, सो जो लोग सिटीज़ में नहीं रहते थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था क्रिकेट देखना, वो नहीं देख पाते थे। सो जिस टाइम से टेलीविज़न पे क्रिकेट को कवर करना स्टार्ट किया, उस टाइम से जो ऑडियंस थी उनके लिए काफ़ी एक्सपैंड कर दिया गया, ऑडियंस भी एक्सपैंड हो गई, बिकॉज़ जो लोग गाँव में रहते थे, अगर गाँव में किसी के पास एक घर में भी टीवी है तो वो पूरा गाँव इकट्ठे मिलके देख सकता था। तो इस तरह से जो लोग कभी भी लाइव मैच नहीं देख सकते थे उन सिटीज़ में जाके, उनको मौका मिला कि वो टीवी में देख सकें। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट्स सोशल बेस, एंड चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। सो अब जो टीवी पे क्रिकेट को कवरेज मिला, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो कुछ बच्चे थे जो गांव में रहते थे, सिटी से दूर रहते थे और क्रिकेट मैच नहीं देख पाते थे, अब उनको एक मौका मिल गया था कि वो टीवी पे देख सकते थे मैच, और वो अपने फेवरेट बैट्समैन को या बॉलर को इमिटेट कर सकते थे, मतलब उनको कॉपी कर पा रहे थे, कॉपी करके उनको अब उनके खेलने के स्टाइल समझ आ रहे थे, इसलिए वो भी इस गेम को खेल पा रहे थे, तो उनको एक एक्सपोजर मिल गया था। अब द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट।
अब ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज, अब ये जो मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज थी जिन्होंने ऐसे टीवीज बनाए कि जगह जगह पे वो स्प्रेड बेचे गए, उनका सेल हुआ, एंड जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से अब टीवी में जो हम देखते हैं, जो भी शोज़ हम देखते हैं, ये लाइव कुछ देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट की हेल्प से देखते हैं। सो ये जो भी एक टेक्नोलॉजी थी जो सैटेलाइट की हेल्प से लोगों को, मतलब नॉट इन द सिटीज़ बट दूर के एरियाज में, गाँव में, विलेजेस में, जहाँ पे लोग अब टीवी देख पा रहे थे, उससे उसने क्या क्रिएट कर दिया था, क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर दिया था। मतलब कि क्रिकेट वॉज नाउ सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जहाँ जहाँ तक टीवी पहुँच पाया था वहाँ वहाँ तक क्रिकेट पहुँच पाया था। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सूरत कहाँ है? इंडिया में, गुजरात में। सो जो मैच सिडनी में हो रहा है उसको लाइव देख सकते हैं लोग इंडिया में बैठे बैठे, गुजरात में देखे बैठे बैठे। वो कैसे? सैटेलाइट की हेल्प से। ये जो सारा टेक्नोलॉजी था, सैटेलाइट की हेल्प से लाइव मैच ब्रॉडकास्ट किया जाता था टीवी पे, जैसा कि अभी होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच, हम अपने घरों से देख सकते हैं टीवी में। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। सो अब इंडिया में क्या था, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, प्लस पीपल वर सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आज भी क्रिकेट की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट इज़ अ फीलिंग, इट इज़ एन इमोशन। लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना। सो ये चीज़ एकदम अभी नहीं स्टार्ट हुई है कि लोगों के मन में जो क्रिकेट को लेकर इतना फॉन्डनेस है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। एंड उस टाइम बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी क्रिकेट को लेकर, तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था इस गेम का, मतलब जो फुल फोकस था, पूरा फोकस था, वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया था। क्योंकि साउथ एशिया क्या है, इंडिया कहाँ आता है, साउथ एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट है जिसके साउथ में इंडिया लाई करता है। सो वहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका था क्रिकेट का, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस थी, व्यूअरशिप थी, वो यहीं पे थी। सबसे ज़्यादा जो लोग क्रिकेट देखते थे वो यहीं पे देखते थे। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाई द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई। अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, वो ये कि जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जिसे कहते हैं ICC, सो इसके जो हेडक्वार्टर्स है पहले लंदन में होते थे, लंदन से उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया दुबई में। दुबई में क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इट वॉज कम्प्लीटली टैक्स फ्री, तो इसीलिए साउथ एशिया में ही, मतलब यहाँ पे पूरा ही वो हो गया था कि इट हैड बिकम अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ 150 ईयर्स अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब आज से अगर 150 साल पहले की बात करें, 150 ईयर्स अगो, तो वो जो इंडियन पारसीज थे, ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी थी जिसने इंडिया में पहली बार क्रिकेट स्टार्ट किया था, उनको हमने देखा कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कि उनको खेलने को एक पब्लिक पार्क तक नहीं मिल रहा था इजीली। सो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा इस गेम, इस स्पोर्ट के लिए। पर आज अगर हम ग्लोबल मार्केट प्लेस में देखें, आज अगर हम नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें, सो जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, दे आर बीइंग पेड द हाईएस्ट अमाउंट। उनको आज सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। उनका स्पोर्ट्स जो है, उनका जो स्पोर्ट है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इतना अच्छा खेलते हैं इंडियन क्रिकेटर्स आज की डेट में, कि पूरे वर्ल्ड में उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है। दे आर वेरी वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरा ही वर्ल्ड उनके लिए एक स्टेज है कि उनको कहीं भी भेज दो, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेडियम में खेलने के लिए भेज दो, दे विल परफॉर्म द बेस्ट। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल,
The triumph of the one-day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity, the remarkable changes in global technology and commerce. So what is this? This ये जो transformation है जो जो changes आए हैं cricket में over the time, Indian cricket में specifically, जब start हुआ था उस time से लेकर आज तक. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional. अब इसका मतलब क्या है? उस time पे जब जो amateur होते हैं, जो who are not very mature, कोई भी चीज़ professionally नहीं करते हैं, just for their own hobby वो perform करते हैं, not as a profession. So उस time पे जब Parsis ने अपनी as a hobby खेलना start किया था, उस time पे वो professionally नहीं खेल रहे थे. तो उस टाइम से लेकर अगर हम आज देखें, आज क्या है, पेड प्रोफेशनल्स हैं जो भी क्रिकेटर्स हैं. सो देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा चेंज आया है उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक. एंड द ट्रायंफ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. अब अगर फॉर्मेट की बात करें, जो वन डे क्रिकेट है, ODI जिसे कहते हैं, वन डे इंटरनेशनल, उसने ओवरशैडो कर दिया टेस्ट क्रिकेट को. पहले टेस्ट मैचेस ही हुआ करते थे मोस्टली, बट अब टेस्ट मैचेस कभी कभी होते हैं, बट मोस्टली वन डे इंटरनेशनल्स होते हैं या T20 होते हैं. सो ये एक विक्ट्री है गेम के लिए, क्रिकेट के लिए, कि किस तरह से वन डे गेम ने ओवरशैडो कर दिया टेस्ट क्रिकेट को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. कि ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, वन डे क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है. टेस्ट मैच देखना इतना पसंद नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5-5, 6-6 दिन चलता रहता है मैच. सो लोग प्रेफर करते हैं कि वन डे मैचेस देखें. सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, जिसमें हमने देखा कि क्रिकेट किस तरह स्टार्ट हुआ था, एक कंट्री ने स्टार्ट किया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े सालों में इट गॉट स्प्रेडेड टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. इतनी सारी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलती हैं अब, और एवरीबडी इज़ जस्ट फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट. सो इस तरह से कुछ चेंजेस आए और आज हमारे सामने हैं कि क्रिकेट क्या गेम है. हम सबको पता है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर इंडियन, हम कितना वैल्यू देते हैं क्रिकेट को, राइट? सो आई थिंक दैट इज़ या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स.